दोस्त, क्या आप पूरा दिन सोचते हैं कि कल से मुझे पढ़ना है, पर जब कल होता है तो आप पढ़ नहीं पाते? आपका समय कैसे आपके हाथों से निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलता, और समय बीतने के बाद आप रिग्रेट करते रह जाते हैं। भाई, ये जो समय निकल रहा है ना, इसी कारण तुम्हारा कहीं सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो भाई, इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, इस वीडियो को तुम पूरा ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 तरीके बताऊंगा जिससे तुम अपना जो समय है तुम्हारा उसे पूरा कंट्रोल कर सकते हो, और ये 3 स्टेप तुम्हें क्यों फॉलो करने चाहिए और इसके पीछे का क्या मोटिवेशन होना चाहिए, मैं ये भी तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। जब मैं तैयारी कर रहा था ना, तो अभी जो मैं तुम्हें टाइम मैनेजमेंट का तरीका बताऊंगा, मुझे वो उस समय एक भैया ने बताया था, और वो भैया अभी यूपी के एक ज़िले में SDM के पोस्ट पे काम कर रहे हैं। और जो ये तरीका है ना दोस्त, मैंने खुद अपनाया है और अभी भी इसे मैं यूज करता हूँ, और ये तरीका बहुत ही ज़्यादा कारगर है। अगर भाई तुम अपना सोचा हुआ काम नहीं कर पा रहे हो ना, तो तुम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो। तो दोस्त, इसे ठीक करने के लिए तुम्हें सबसे पहले पता करना होगा कि तुम्हारा टाइम जाता कहाँ है, तुम किन किन कामों में अपना बहुमूल्य समय दे रहे हो, ये तुम्हें पता करना बहुत ही ज़रूरी है। तो भाई, हमारा पहला स्टेप है कि मेज़र योर एक्टिविटी विथ टाइम। तुम्हें टाइम के रिस्पेक्ट में तुम पूरा दिन क्या क्या कर रहे हो, इसे मेजर करना है तुम्हें। भाई, पहले स्टेप में तुम्हें ये नापना है कि तुम्हारा टाइम कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है। अब सवाल उठता है कि तुम टाइम को नापोगे कैसे, है ना? इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि एक लड़का है जिसका नाम अंकित है। अंकित सुबह 7 बजे जाग जाता है। 7 से 9 वह अपना रूटीन वर्क करता है, नाश्ता वगैरह करता है। फिर 9 से 10 वह रिलैक्स होता है, मोबाइल चलाता है। फिर 10 से 13 वह अपना कोचिंग में पढ़ाई करता है। 13 से 14 वह लंच करता है। 14 से 15 वह मोबाइल चलाता है और रेस्ट करता है। 15 से 18 वह क्रिकेट खेलता है। 18 से 19 रेस्ट करता है। 19 से 21 वह अपना सेल्फ स्टडी करता है। 21 से 22 वह मोबाइल चलाता है। फिर 22 से 23 वह अपने घर वगैरह बात करता है, फ्रेंड से बात करता है। फिर वह 23 बजे सो जाता है। ये दोस्त अंकित का पूरा एक दिन का रूटीन है। जब दोस्त आप अपना रूटीन को ट्रेस करेंगे तो आपको भी कुछ इसी टाइप का कुछ डाटा मिलेगा। अंकित जैसे पूरे दिन के दिनचर्या को तुम रजिस्टर कहाँ करोगे और कैसे करोगे? तो दोस्त, इसके लिए एक हैक है। तुम क्या कर सकते हो कि एक WhatsApp का ग्रुप बना सकते हो, और उस ग्रुप में तुम अकेले एक ही मेंबर रहोगे और कोई इसमें मेंबर नहीं रहेगा। और उस ग्रुप में तुम अपने दिनचर्या को, तुम कितने से कितने बजे तक क्या काम कर रहे हो, क्योंकि मोबाइल तुम्हारे पास 24 घंटा रहता है, तुम तुरंत तुरंत पोस्ट कर सकते हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे पास एक पूरा डाटा आ जाएगा, पूरा दिन तुमने क्या क्या किया। अपने पूरे दिन के दिनचर्या को रजिस्टर करने के बाद दोस्त, अब यहाँ हमारा दूसरा स्टेप काम में आता है। इस स्टेप को हम लोग कहते हैं AYA, यानी एनालाइज योर एक्टिविटी। दोस्त, ये स्टेप बहुत ही ईजी है, और इस स्टेप में तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस स्टेप में तुम्हें एक खाली पेपर लेना है। उस पेपर के टॉप पे तुम्हें अपना गोल लिखना है। जैसे मेरा गोल था सरकारी नौकरी पाना, वैसे तुम्हारा जो गोल होगा तुम उस पेपर के टॉप पे लिख देना, और उस खाली पेपर को 2 हिस्सों में बांट देना। जो पहला हिस्सा है उसमें तुम हेडिंग देना, इम्पॉर्टेंट वर्क फॉर माई गोल, ठीक है? जो तुम्हारे गोल को अचीव करने के लिए जो काम जरूरी है तुमको इस कॉलम में लिखना है, और दूसरा कॉलम का तुम नाम देना नॉन इम्पॉर्टेंट वर्क फॉर माई गोल। जो काम तुम्हारे गोल को अचीव करने के लिए, पाने के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, सारा काम तुम्हारा इसी कॉलम में लिखाएगा। जैसे अंकित का गोल सरकारी नौकरी पाना है, तो वह अपने इम्पॉर्टेंट वर्क वाले कॉलम में उसके दिनचर्या में जो काम उसे अपने गोल तक पहुँचाने में उसे मदद कर रहा है, वो काम को उस कॉलम में लिखेगा। अब तुम दोनों कॉलम में लिखे काम में लगे समय को जोड़ दो। दोनों को अलग अलग जोड़ना, या अंकित का जो इम्पोर्टेंट वर्क है उसे हम लोग जोड़ते हैं तो कुल 8 घंटे आता है, और नॉन इम्पॉर्टेंट जो उसने वर्क किया है और उसमें समय जितना लगा है वो जोड़ते हैं तो उसमें वो 8 घंटा आता है। क्योंकि अंकित जो है वो 8 घंटे सोता है, और 24 में से 8 अगर हम घटा देते हैं तो हमारे पास 16 बचता है। अंकित के पास अपने गोल को अचीव करने के लिए जो समय है वो 16 घंटे हैं,
और वो 16 घंटे में से 8 घंटा हुआ इम्पॉर्टेंट काम करता है और 8 घंटा वो नॉन इम्पॉर्टेंट काम करता है। जब दोस्त तुम इस तरह अपने कामों को एनालाइज करोगे तो तुम्हें ही पता चलेगा कि तुम कितना अच्छा काम कर रहे हो, कितना इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हो और कितना समय तुम नॉन इम्पॉर्टेंट काम में वेस्ट कर रहे हो। आई एम श्योर दोस्तों तुम्हें कुछ ऐसा पता चलेगा जिसे तुम शौक हो जाओगे। जैसे अंकित यहाँ 4 से 5 घंटे सिर्फ मोबाइल में ही लगे रहता है, वैसे तुम्हारा भी कुछ ऐसा ज़रूर आएगा और तुम शौक रह जाओगे। जब तुम्हें अपना नॉन इम्पॉर्टेंट वर्क के बारे में पता चलेगा ना, तब तुम्हें लगेगा कि कल से मैं नॉन इम्पॉर्टेंट वर्क करूँगा ही नहीं। मुझे भी ऐसे ही लगा था, पर दोस्त हम लोग इंसान हैं और हमारा मन है, कभी कभी मन करता है मोबाइल चलाने का, तो हम लोग कितना मन को रोकेंगे, एक दिन रोक लेंगे, दो दिन रोक लेंगे, पर तीसरा दिन हम लोग जो इंस्टाग्राम का रील है जो 2 घंटा देखते थे पहले, वह 4 घंटा देख लेंगे। तो मेरे भाई इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है हमें अपना इम्पॉर्टेंट और नॉन इम्पॉर्टेंट वर्क को अच्छे से बैलेंस करना होगा अपने नेचर के अनुसार। अगर हम लोग दोनों को अच्छे से बैलेंस कर लेंगे ना, तो पूरा दिन हमारा जो एनर्जी है, काम करने की एनर्जी है, वो हाई रहेगा। इस बात को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट है वो अच्छे से समझ सकते हैं। जब कोई ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस और आयरन लॉस को इक्वल कर देते हैं, तब जो ट्रांसफार्मर है वो अपना मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है। उसी प्रकार हम लोगों को भी अपने दिनचर्या में इम्पॉर्टेंट वर्क और नॉन इम्पॉर्टेंट वर्क को बैलेंस करना पड़ेगा। पर दोस्त ये जो बैलेंस है ना, तुम्हें अपने नेचर के अनुसार करना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग हैं जब वो दौड़ते हैं तो वो आधा आधा घंटा एक एक घंटा तक दौड़ते हैं फिर भी नहीं थकते हैं, पर कुछ लोग जो है वो 5 मिनट दौड़ के ही थक जाते हैं, है ना। तो दोनों के कैपेबिलिटी में अंतर है। इसी तरह दोनों काम को बैलेंस करने का जो रेशियो है ना, वो हर एक इंसान के लिए अलग अलग होगा। हो सकता है दोस्त कि तुम अच्छा काम सिर्फ 9 घंटा ही कर पाओ, ठीक है, और तुम्हारा जो दोस्त है वो 12 घंटे अच्छा काम कर जाए। तो इससे हताश निराश नहीं होना है। तुम जो कर रहे हो, जिस चीज़ में तुम्हारा एनर्जी हाई है, वो काम तुम्हें वो रेशियो में करते रहना है। अब दोस्त इसको थोड़ा सिंपल करते हैं, ठीक है, ये रेशियो को थोड़ा सिंपल करते हैं। जैसे अंकित का केस हम लोग लेते हैं। अंकित 8 घंटे इम्पॉर्टेंट काम करता था और जो 8 घंटे वो नॉन इम्पॉर्टेंट काम करता था। तो अंकित को अपने पहले सप्ते में ये कोशिश करना चाहिए कि वो इम्पॉर्टेंट काम को 8 के बजाय 10 घंटा करे, ठीक है, ये उसे कोशिश करना चाहिए। अगर ये इसमें सक्सेसफुल हो जाता है तो अगला सप्ताह उसे और थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। अब तुम्हारे पास भी सारा डाटा है, तुम भी अपना पहले सप्ते का अपना गोल को सेट कर लो कि फर्स्ट वीक में मुझे इतना घंटे इम्पॉर्टेंट काम करना है और इतना घंटा मुझे नॉन इम्पॉर्टेंट काम करना है। भाई अब बारी आता है हमारा तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप का, मेक योर ओन टाइम टेबल। इस स्टेप में दोस्त तुम्हें अपना टाइम टेबल बनाना है, और टाइम टेबल तुम्हें ऐसा बनाना है कि पूरे दिन तुम्हारा जो एनर्जी है वो मैक्सिमम रहे। मतलब कि तुम्हारा जो जैसे इम्पॉर्टेंट वर्क है और तुम्हारा जो नॉन इम्पॉर्टेंट वर्क है, ये दोनों को कुछ ऐसे मिक्स करना ताकि पूरा दिन तुम्हें अच्छा फील हो और तुम्हारा जो एनर्जी लेवल है वो हाई रहे, तुम थको नहीं। ये दोनों काम को मिक्स करने का काम तुम्हें खुद से ही करना होगा दोस्त। दोस्त अगले दिन का वर्क का टाइम टेबल तुम आज रात में ही बना लेना, और सबसे अच्छा रहेगा कि तुम उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना टाइम टेबल बनाओ जो हमने शुरू में बनाया था, यानी कि सेल्फ ग्रुप। अब दोस्त तुम पूछ सकते हो कि टाइम टेबल बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे क्या होता है ना कि हम लोग कोई ग्रॉसरी स्टोर जाते हैं, अगर हमें ज़्यादा सामान लेना है और बिना लिस्ट का चले जाते हैं तो हमें ग्रॉसरी लेने में बहुत टाइम लग जाता है, और टाइम तो लगता ही है, और हम बहुत सा सामान भूल भी जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम अपना जो समय है, हमारा अगला दिन का समय है, वो हम कैसे यूज करेंगे, उसका टाइम टेबल बनाना बहुत ही ज़रूरी है। भाई अभी मैंने 3 स्टेप तुम्हें बताया है कि तुम अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हो, पर इसकी क्या गारंटी है कि हम लोग ये जो तीनों स्टेप को फॉलो करेंगे। हमारा कितना भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन हो कि हमें ये काम करना है, ये स्टेप करना है, तो मतलब 2-3 दिन तक होगा, उसके बाद फिर नहीं होता है। किसी काम को करने का जब तक हमारे अंदर से नहीं आएगा ना, हमारा अंदर का मोटिवेशन नहीं आएगा ना, तब तक हम लोग किसी काम को रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर सकते हैं। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो हम जो खाते हैं, हम जो पहनते हैं और जो जहाँ हम रहते हैं, वो सब के लिए हमारे पिताजी को पे करना पड़ता है,
और ये पैसे भरने के लिए उन्हें कमाना पड़ता है। और पैसे कमाने में दोस्त यकीन मानो बहुत मेहनत लगता है, अपना खून पसीना को भी बेचना पड़ता है। वो हमें ये सब इनिशियल चीज़ देने के लिए अपना खून पसीना को बेचते हैं, तब जाके उन्हें पैसा मिलता है। और उनका कमाया हुआ पैसा का एक हिस्सा जो है हमारे ऊपर खर्च होता है, हमारे पहनने में, हमारे खाने में, हमारे रहने में, है ना। सोचो वो इतने मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, और उनके पैसे से तुम्हारे लिए खाना आ रहा है और इस खाना को तुम खा रहे हो, और तुम्हारे अंदर जो इस खाने से एनर्जी बन रहा है उसे तुम सो के वेस्ट कर दे रहे हो, गर्लफ्रेंड से बात करके वेस्ट कर दे रहे हो, मूवी देख के वेस्ट कर दे रहे हो, घूम फिर के वेस्ट कर दे रहे हो। इस जो इतना मूल्यवान एनर्जी तुम्हारे अंदर है, उस एनर्जी से तुम अपने लिए कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं कर रहे हो, सिर्फ इधर उधर का आलतू फालतू काम कर रहे हो। तो दोस्त, भगवान देखता है, भगवान देख रहा है, और हर किसी को इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। तुम जो ये पाप कर रहे हो अपना समय वेस्ट करके, अपना एनर्जी को वेस्ट करके, इसका सजा तुम्हें इसी जन्म में मिलेगा। अभी भी समय है कि तुम सुधर जाओ। देखो दोस्त, अगर तुम अपना समय को इसी तरह बर्बाद करते रहे ना, तो तुम्हारे पिताजी और भगवान कभी तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे और इसका सजा तुम्हें मिलेगा। इसीलिए इस बात को तुम अपने दिमाग में अच्छी तरह फीड कर लो और अपने अंदर सेल्फ मोटिवेशन के रूप में इस बात को बैठा लो। अगर कभी भी दोस्त तुम्हारा मन थोड़ा विचलित हो तो ये सब बात सोच लेना और फिर से अपना काम में लग जाना। भाई, यदि तुम जानना चाहते हो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मेरा क्या स्टडी रूटीन था, तो इस वीडियो को देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।